हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स पाइसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। नेक्स्ट 10 डेज, 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। नेक्स्ट 10 डेज, 21st टू 31st, पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, देखिए पाइसिस, आपकी फीलिंग्स में मुझे आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस एंड 9 ऑफ सोर्स जेमिना लिब्रा एक्वेरियस। अब यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है 21st टू 31st के बीच में, एंड काफी स्पीड से काफी जल्दी चीजें करनी पड़ सकती हैं आपको इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी घबराहट हो रही है आपको क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है 21st टू 31st के बीच में। ये आई फील आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो स्टेटस चेंज हो रहा है, सिंगल हो रहे हैं या फिर कमिटेड हो रहे हैं, जैसे भी, बट डेफिनेटली एयर ट्रैवल भी दिख रहा है 21st टू 31st में। मुझे एयर ट्रैवल भी दिख रहा है, एंड मे बी आपके आपके रिलेशनशिप की जो डायनामिक्स है उसमें चेंज आ रहा हो, बट डेफिनेटली देर इज अ मेजर ह्यूज चेंज कमिंग योर वे इन योर रिलेशनशिप। एंड आपकी तरफ से मे बी या तो फीलिंग्स चेंज हो रही है अपने पार्टनर के लिए, या फिर आप इस चीज को लेकर घबरा रहे हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया तो वो डर है, वो वाले चेंजेस आ रहे हैं। पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 31st अगस्त, पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। ओके, देखिए पाइसिस, आपके जो पार्टनर हैं, द हैंगमैन द चैरियट, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है इसमें। आई फील या तो कोई फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर कोई जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है, डेफिनेटली। अब देखिए आपके जो पार्टनर है वो वेट कर रहे हैं, लाइक दे वॉन्ट टू गो अहेड विद यू, दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, इवन दो द डायनामिक एंड एवरीथिंग, डायनामिक्स एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट उनको आपके साथ आगे बढ़ना है। मे बी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी तक वेट कर रहे थे कि आप आओगे आओगे, एंड यू नो लाइक चीजें चेंज होंगी, एंड उनका वेटिंग पीरियड चल रहा था, वेटिंग एनर्जी चल रही थी उनकी तरफ से। मे बी उन्होंने आपको कोई अल्टीमेटम दिया था या कुछ ऐसे प्रपोजल रखा था आपके सामने, एंड यू वर सपोज टू गेट बैक टू देम, और वो वेट कर रहे थे, बट आप नहीं, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि आप भी शायद घबरा रहे थे, आपको भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड चेंजेस भी हो रहे थे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी, तो आपको लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे वॉन्ट टू बिल्ड अ लाइफ विद यू, दे वॉन्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन विद यू, एंड वो अपनी जर्नी आपकी तरफ, आपके डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ वो आ रहे हैं, कोई रश्ड डिसीजन ले रहे हैं, डेफिनेटली कोई रश्ड डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ तो ये डिसीजन ले रहे हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, सो आई एम नॉट श्योर, पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं अगर रेजोनेट कर रहा है तो, बट दे आर वेरी डिटर्मिंड टू बी विद यू, ठीक है, दे आर वेरी डिटर्मिंड टू बी इन दिस सक्सेसफुल रिलेशनशिप टुगेदर। सिंगल पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस जो सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 21st टू 31st अगस्त, नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सिंगल पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सिंगल पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st टू 31st अगस्त, सिंगल पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए
सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्स द फूल जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैजिटेरियस। अब देखिए जो पाइसेस सिंगल हैं, पूरे के पूरे सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नया काम मिल रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कहीं कोई किसी तरीके की नई बिगनिंग है, मे बी बिजनेस रिलेटेड या समथिंग, और मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू डील और न्यू क्लाइंट, बट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वर्क। आपके पसंद का काम है, आपका पैशन है ये, एंड यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब जो आपको असाइन हो रही है, क्योंकि आप इसमें ग्रो भी करोगे, आपका शौक का भी है, एंड ऑफ कोर्स नई चीज स्टार्ट हो रही है तो कोई क्यों नहीं एक्साइटेड होगा। बट आई फील आप कोई आपको जो भी ये नया काम है या जो भी है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क करके उतरना चाहिए। लाइक यू शुड एटलीस्ट डू द रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और व्हाटएवर। सो इवन दो आपकी नई चीज की शुरुआत हो रही है, आपको मिल गया है क्लाइंट, बट आई फील आप उसमें बहुत ही लाइक बिना प्रिपेयर हुए उतर रहे हो। यू आर टेकिंग अ रिस्क, यू आर गेटिंग इन टू दिस न्यू बिगनिंग फेज। नया बिगनिंग तो है डेफिनेटली, दोनों कार्ड्स हमें नई शुरुआत दिखा रहे हैं, बट उसमें आप बिना प्रिपरेशन के उतर रहे हो, ठीक है, तो काफी बड़ा रिस्क ले रहे हो। आई एम नॉट श्योर वाई, थोड़ा प्रिपरेशन करके उतरना चाहिए आपको, बट लव एंड कनेक्शन से रिलेटेड तो नहीं दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं पाइसेस। अब हम देखेंगे हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स पाइसेस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई बॉडी में, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ लव, एन नंबर ऑफ फियर्स हैं, एन नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो। ये ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा ब्लॉक जो है उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। अब इस हीलिंग के थ्रू हम, ये डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, हम रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी दे सकते हैं आपको, या हम रेकी सेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं ये। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं। आपका ऑरा स्कैन करके हम देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, एंड देन वील फिगर आउट कि कौन सा चक्रा वीक है जिस वजह से चीजें अफेक्ट हो रही हैं, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज होती है जस्ट टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। अब कई लोग पूछते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज पता कैसे लगती हैं, कि हमें नेगेटिव एनर्जीज ने अफेक्ट करा है। एक तो सबसे पहली चीज है, तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, बिना मतलब के तबीयत खराब हो जाती है, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरे लोगों के, ढीले पड़े रहते हैं, लिथार्जिक, बिल्कुल डीमोटिवेटेड, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि आपको एनर्जी अफेक्ट कर चुकी है। एनर्जी क्यों इफेक्ट करी है, क्योंकि आपका खुद का एनर्जी सर्कल या एनर्जी या वाइब्स बोल लीजिए या ऑरा बोल लीजिए, ये वीक है। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ, बट अगेन गाइज ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं कोई भी इनमें से, तो आप पॉजिटिव रहें, ठीक है, बिलीव करें इन प्रैक्टिसेस में, पेशेंस रखें एंड डेस्परेट ना हो। ये चार चीज अगर आप कर सकते हैं तो आज ही स्टार्ट कर लीजिए अपनी जर्नी, हीलिंग जर्नी। एरीज की क्या इंटेंशन एनर्जीज वाइब्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस। देखिए एरीज ने ना आपको एक्सेप्ट कर लिया है जैसे आप हो, ठीक है, दे एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस एंड दे थरली एंजॉय इट। उनको आप अपने लाइक फ्लॉज के साथ भी पसंद हो तो वो आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं। टॉरस की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस। टॉरस सॉरी बोल सकते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, गलती हो गई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, जस्ट गिव मी वन मोर चांस, ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, फॉरगिव कर सकते हैं आप उनको, बट जरूरी नहीं है कि उनको लाइफ में वापस ले गए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जेमिनी की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस। देखिए जेमिनी को लगता है दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, टू बिल्ड अ कनेक्शन। कई लोगों को चीजें सीखनी पड़ती हैं, कई लोगों में ऑलरेडी होती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग नेचर हो गया, एडजस्टिंग हो गया, या कोई भी चीज हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, आपके अंदर वो सारी खूबियां ऑलरेडी हैं,
जिससे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड करा जा सकता है, ग्रो करवाया जा सकता है। कैंसर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? कैंसर के लिए आपका हैप्पी होना बहुत जरूरी है, आपका सेटिस्फाई होना, आपका फुलफिल होना, आपका कंटेंट फील करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहोगे तो ही कैंसर खुश रहेंगे। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? देखिए, कोई अच्छी चीज है जो लियो ने अभी तक नहीं बताई है आपको, समटाइम्स अ गुड इज हिडन, सही टाइम आने पे ये बता देंगे, मे बी हाउ दे फील अबाउट यू, ठीक है, बट अभी उन्होंने नहीं बताया है। वर्गो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? लव फेस्ट, टाइम फॉर अ लव फेस्ट वर्गो के लिए आप एक ऑप्शन है। दे आर हॉपिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो आई एम नॉट श्योर अगर आपको इस इंसान पे टिके रहना चाहिए या नहीं। मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप देन वर्गो इज नॉट योर पर्सन। लीब्रा की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? लीब्रा, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। लीब्रा एंड पाइसेस, आप दोनों का बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्लिंग और मे बी लाइक अ वन नाइट स्टैंड हुकअप कुछ दिख रहा है, नथिंग परमानेंट। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए, स्कॉर्पियो कुछ बहुत ही डिफरेंट करने वाले हैं, बहुत ही हटके करने वाले हैं, जिससे आपको धक्का लग सकता है। तो पहले प्रिपेयर होके चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा कि हाँ ठीक है, ये चीज होने वाली है। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? यू हैव गॉट टाइम। देखिए, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से देखिए, टाइम बहुत है, पीयर प्रेशर में नहीं आना है, फैमिली प्रेशर में नहीं आना है, किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आना है, बेसिकली यू हैव गॉट टाइम, ठीक है। तो लोग बोल रहे हैं अगर, तो बोल लेने दीजिए। कैप्रिकॉन की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? कैप्रिकॉन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज, वो कहीं दूर से देख रहे हैं, मे बी स्कूल कॉलेज ऑफिस में कहीं हो, या फिर लोकैलिटी में कहीं रहते हो, या फिर कहीं किसी कम्यूटिंग लाइक पूल कैब, बस में, मे बी जिम, डांस क्लास में, या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर, इट्स नॉट लाइक दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, नॉट लाइक दैट, स्टॉकिंग वाला नहीं है, बट लाइक यू नो, लाइक प्यार से देखना कि अच्छा कहाँ है, क्या हो रहा है, वैसा। एक्वेरियस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप दोनों की लाइफ में रही हैं एक्वेरियस एंड पाइसेस, वो सब आई और निकल गई, बट आपका रिलेशनशिप इंटैक्ट था, आपका प्यार इंटैक्ट था, आपका अफेक्शन बिटवीन ईच अदर इंटैक्ट था, ठीक है, तो वो चीजें सही रही। पाइसेस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस? देखिए, डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, बट प्यार कम नहीं हो रहा है, चाहे सिटी, स्टेट, कंट्री डिफरेंट हो गया है, बट आपका अफेक्शन, लव अफेक्ट नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि दो लोग जो बिल्कुल एक कमरे में पास में रहते हैं उन्हीं के बीच में प्यार ज्यादा हो, कई बार लोग दूर रहते हैं बट उनका बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो पाइसेस एंड पाइसेस, आपका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग है, इवन दो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है या हो रहा है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।